नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ में क्या करें क्या ना करें, यानी हमारी तमाम बहनों का, बेटियों का, माताओं का कुछ प्रश्न है, कुछ क्या बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उसके उपलक्ष में, यानी कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विधिवत ये मैं वीडियो बनाई हूँ। जैसा कि सबसे पहले तमाम बेटियों का, बहनों का ये प्रश्न है कि उनके पति घर से बाहर हैं तो वो पूजा व्रत कैसे करें। तो पति कहीं भी रहें, जब आप पूजा, जैसे हम लोग भी तीजा का पूजा करते हैं, करवा चौथ को, जो भी महाशिवरात्रि का निराजली पूजा करते हैं, जैसे हम पहले गांव में रहते थे तो पति यहाँ परदेश में रहते थे, तो हम लोग भी विधिवत पूजा उनका, उनके नाम से, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी संपन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना किया जा सकता हो कहीं भी रहें। तो जिनके पति घर से बाहर हैं वो भी पति का नाम लेकर, चंद्रमा को देखकर, यानी चंद्रमा को आप भी देखते हैं, आपके पति भी देखते हैं, तो चंद्रमा को देखकर आप विधिवत उसी तरह से पूजा करें जैसे कि पति घर में है तो पति को बैठा कर भी तिलक वगैरह करके पूजा करते हैं। तो आप बिल्कुल मायूस न हों और कामना करें कि आप अपने पति के पास जल्द से जल्द उनके साथ रहने लगें और वैसे ही विधिवत पूजा करें। तमाम बेटियों का, बहनों का ये प्रश्न है कि उनका इसी साल विवाह हुआ है और उनके घर में, जो ससुराल में करवा चौथ का व्रत बहुएं उसी साल से शुरू करती हैं, पर उनकी दुविधा ये है कि उसी डेट में उनको पीरियड रहेगा तो वो कैसे पूजा और व्रत करेंगी। तो उनसे बताना चाहूँगी और कमेंट करके भी बताती हूँ कि ऐसे स्थिति में जब कोई हम शुभ कार्य करते हैं तो बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही शुद्धता से करना चाहिए। अगर आप व्रत शुरू कर चुके हो पहले से तो उसमें माहवारी अगर आता है तो मैं सभी बेटियों को, माताओं, बहनों को बताती हूँ कि आप व्रत न छोड़ें, लेकिन किसी भी अनुष्ठान, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा में किसी तरह से भाग न लें, आप दूर रहें और व्रत आप करें, प्रसाद खा के, यानी कुछ मीठा खा के पारण वगैरह करें। तो जो बेटियों का इस साल शादी हुआ है, अगर वो पीरियड में हैं करवा चौथ के समय, तीसरा दिन, दूसरा दिन, कुछ भी है, तो वो व्रत प्रारंभ न करें, अगले साल से करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी साल से करें और ऐसे अशुद्ध अवस्था में व्रत शुरू करें। तमाम माताओं बहनों का यह कहना है कि हम चंद्र को इसी अवस्था में जल भी दे सकते हैं, लोग कहते हैं, तो उनको कहने दें आप ऐसा ना करें, नहीं आपको आशीर्वाद की जगह खामियाजा भी हो सकता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में किसी प्रकार का पूजा न शुरू करें। उसी प्रकार से तमाम जो बहनें हैं, माताएँ हैं, बेटियाँ हैं, उनका ये प्रश्न है कि उनके घर में करवा चौथ कोई भी नहीं करता, उनकी सास, ननद, जिठानी, देवरानी कोई भी नहीं करता, पर उनके मायके में करवा चौथ होता है और उनको भी मन करता है कि वो करवा चौथ का पूजन करें, व्रत करें, चंद्रमा को अर्घ दें। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ ससुराल में करवा चौथ के दिन कोई दुर्घटना, अशुभ घटित हुआ है, इस वजह से करवा चौथ नहीं करते हैं तो आप न करें। इस दिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से करवा चौथ मनाने लगते हैं, अगले साल से, जैसे उस दिन बच्चा पैदा हुआ तो उसके अगले साल से करवा चौथ मनाने लगते हैं। लेकिन ऐसा कोई अशुभ नहीं घटा है और किसी कारणवश वो नहीं करते, यानी कहीं कहीं मान्यता नहीं है, तीजा का व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का करते हैं, करवा चौथ नहीं करते हैं, और आप करना चाहते हो तो ये बहुत शुभ है, आप इस व्रत को शुभ समय में उठा सकते हो। उसी प्रकार से बहनों, माताओं, बेटियों का प्रश्न है कि वो बीमार रहती हैं, उनको शुगर है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको लो ब्लड प्रेशर है, तो उनको डॉक्टर मना किया है कि वो खाली पेट न रहें और उनको औषधियाँ भी समय समय पर लेना पड़ता है, इस वजह से वो भूखा नहीं रह सकती हैं, लेकिन वो करवा चौथ का व्रत छोड़ना भी नहीं चाहती हैं, उद्यापन भी नहीं करना चाहती हैं, तो वो क्या करें। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप करवा चौथ का व्रत जो होता है उसका संकल्प आप पहले ले चुकी हो, दोबारा से भी ये भगवान से, शिव से, माँ पार्वती से आप कह सकती हो कि हम अशक्त हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, तो मन से, श्रद्धा से हम आपका व्रत और पूजन कर रहे हैं। पूजा तो आप विधिवत कर सकते हो, जैसे जो सुबह की सरगी वगैरह खाते हैं वो, और दिन में आप अगर भूखे रहते हो तो शुगर कभी कभी बढ़ जाता है, तो आप भूखे न रहें, आप फल वगैरह, ऐसा कोई फल नहीं जिसमें ज़्यादा शुगर न रहे, मीठा न रहे, और आप कुछ कुछ दूध वगैरह ले सकती हैं और व्रत भी कर सकती हैं, खाली पेट न रहें। आप श्रद्धा, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब आपका कभी मन करे तो उद्यापन कर दें, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि खाली पेट रह के व्रत न करें।
पूजा और ग्रह आप विधिवत करें, चंद्रमा को अर्घ दें, पति की पूजा करें, जो हम चौकी पर पूजा करके बताए हैं उसको करें। आसान जिंदगी में चौकी पर पूजा करके भी बताई हूँ और थाली सजाना भी बताई हूँ, उसको भी सर्च करके देखें। इसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, तमाम हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का प्रश्न है। अभी कल ही हम कमेंट देख रहे थे, उसमें एक हमारी बहन लिखी थी कि वो 2500 साल से कि 17-18 साल से इस व्रत को कर रही हैं, पर वो सर्गी कभी नहीं खाई हैं। तो क्या सर्गी खाना जरूरी है या सर्गी खाए बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है? तो उनको बताई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सर्गी नहीं खाए हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सर्गी खाओ। तो सर्गी एक इसलिए नियम बनाए हैं कि जैसे सुबह उठ के, यानी सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में हम 4-4:30 बजे उठते हैं, जब तक सूर्य उदय नहीं होता तो दूसरे दिन में हिंदू मान्यता के अनुसार गिनती नहीं होती, उसको रात्रि में ही लेते हैं। तो उस दिन कुछ खा लेते हैं, उसके बाद व्रत करते हैं, यानी कमजोरी न लगे और पूरा दिन बिना पानी पिए रहा जाता है तो आराम से रह सकें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है रात को, तो वो उसी को मानते हैं कि दूसरा दिन है। तो आप अगर सर्गी नहीं खा, तमाम बहनों का बेटियों का प्रश्न है कि वो सर्गी नहीं खाना चाहती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप सर्गी ना खाएं, लेकिन जो पूरे दिन का व्रत है उसको बहुत ही गंभीरता से, शुद्धता से और अच्छी तरह नियम से, विधि से निभाएं। तमाम हमारी बहनें, माताएं, बेटियाँ बोलती हैं कि पति नहीं है, पति का फोटो रख के पूजा कर लें। तो आप ऐसा ना करें, फोटो रख के पूजा नहीं किया जाता है, माला वगैरह चढ़ा के ऐसा नहीं है। आप पति का नाम लेकर, जैसे कलश है, गौरी गणेश हैं, उनमें आप पति का, उनके लिए आशीर्वाद मांगे, गौरी गणेश जी से, चंद्रमा जी से, चंद्र देवता से आशीर्वाद मांगे कि मेरे पति इस समय जहाँ हैं, जो मैं पूजा पाठ अनुष्ठान कर रही हूँ उसका पुण्य फल मेरे पति को मिले, उनके राह में कोई भी व्याधा, कोई भी संकट ना आए, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो और आगे हम सदैव उनके साथ सुखी और संपन्न और स्वस्थ और सुहागन रहें, आप ऐसी कामना करें। वैसे सभी माताओं, बहनों का, बेटियों का प्रश्न है कि हमको करवा नहीं मिलता, यानी जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है वो उनको नहीं मिलता। तो आपको ये समझना चाहिए कि हर एक व्रत का एक जो परंपरा होती है कि विशेष वो चीज़ लगता ही है। जैसे हम हलषष्ठी का पूजा करते हैं तो हलषष्ठी के सारे वो सामग्री किसी को भी देखे इकट्ठा करता है आदमी, कहीं से भी करे। तो करवा, यानी जो इस कथा में जो करवा माता हैं उनका नाम ही करवा है। तो करवा यानी कुल्हड़, मिट्टी का, मतलब इनके नाम से उनका नाम करवा मतलब रखा गया। तो करवा यानी मिट्टी का कुल्हड़ आप कहीं से भी करें, ले आएं, तमाम बाज़ार में मिलता है, दुकानों में मिलता है, आसपास कुहार का घर है वहाँ मिलता है। करवे का काफ़ी महत्व है, वैसे कांसे का, पीतल का, तांबे का, चांदी का, वो जो टोंटी लगा हुआ उसको गड़ुआ बोलते हैं हम लोग, वो भी रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ करवे का महत्व है। तो करवा, जैसे कि एक करवा में हम, जैसे आप पूजा हमारा देखेंगे, सर्च करेंगे तो देखेंगे कि एक करवा में कलश रखें तो करवे का ही, हम लोटा का रखे हैं पर करवे का ही, करवे में ही गुलगुला भर जाता है, करवे में ही जल पिया जाता है, करवे में चंद्र को अर्घ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप करवा का व्यवस्था करें और उसी में पूजन करें। तमाम माताओं, बहनों का, बेटियों का प्रश्न है कि जब हम पूजा कर लें तो करवों का क्या करें? तो मैं उसे बताती हूँ कि जो कलश है, जो हम चंद्र को जल देते हैं, जिसमें हम गुलगुला रखते हैं, वो सभी करवा शुद्ध है, उसको दोबारा हम धो के पूजा में यूज कर सकते हैं। तो आपको बार बार करवा खोजना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस करवे से पति आपको जल पिलाते हैं, आप उसको जल मुँह लगा के पीते हो, तो वो करवा जूठा हो जाता है, उसको दोबारा आप खुद अपने पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पर दोबारा पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको आप फेंक दें या जल विसर्जन कर दें। उसी प्रकार से तमाम माताओं, बहनों का, बेटियों का प्रश्न है कि वो, उनके पास नई साड़ियाँ नहीं हैं और वो खरीदेंगी भी नहीं, यानी वो नहीं पहनती हैं, जो भी है वो नहीं खरीद सकती हैं। तो क्या पुरानी जो साड़ियाँ हैं या उनका जो विवाह का लहंगा है या साड़ी है उसको पहन सकते हैं कि नहीं? तो मैं बोलती हूँ हाँ जी हाँ, पहन सकते हैं, उसको धुल के पहने आप, लेकिन ध्यान रखें कि वो कहीं से कटा, फटा, जला नहीं होना चाहिए, आप पहले का पहना हुआ कपड़ा भी पहन सकती हैं। उसी प्रकार से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का प्रश्न है कि जो हम जिस चौकी पर पूजा करते हैं, उस चौकी का जो कपड़ा होता है, जो अष्टदल कमल का गेहूँ होता है, चावल होता है, जो भी, या जो नारियल होता है, उसको हम क्या करें?
तो मैं आपसे बता रही हूँ कि चौकी का कपड़ा, अष्टदल कमल का चावल और कलश पर चढ़ा हुआ नारियल, कुछ दक्षिणा रख के, कुछ खाने पीने की सामग्री रख के इसको आप गरीब ब्राह्मण को दान कर सकती हैं या मंदिर में दान कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ करवा चौथ में आप क्या करें क्या ना करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। उसी प्रकार से हमारी माताओं बहनों बेटियों का प्रश्न है कि जो मैं चंद्र आवाहन के लिए पिछले वीडियो में जो मैं दिखाई हूँ चंद्र आवाहन के लिए पलाश की पत्ती रख के, एक चांदी का सिक्का रख के चंद्र का आवाहन किए हैं, उनको बुलाए हैं अपने आंगन में, तो उनके पास पलाश की पत्तियाँ नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं, तो वो क्या करें। तो उनको बताती हूँ कि पलाश की पत्ती नहीं है तो आप पान की पत्ती पर भी उसी विधि से चंद्र आवाहन कर सकती हैं, और अगर आप खोजेंगी तो तमाम जगह पलाश की पत्तियाँ मिल जाती हैं, जिसमें टेसू, जिसमें कि ऑरेंज कलर का फूल खिलता है बसंत ऋतु में, बहुत ही सुंदर फूल खिलता है उसमें पलाश में, लेकिन छोटे छोटे जब पत्तियाँ रहती हैं छोटा छोटा सा रहता है तो उसमें नहीं, बड़े जब पेड़ हो जाते हैं तो उसमें फूल खिलता है। तो पलाश की पत्ती हो सके तो लाएँ, नहीं तो पान की पत्ती रख के पूजा करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप करवा चौथ में क्या करें क्या ना करें। तमाम बहनों का प्रश्न है कि वो जो सिंगार का जो थाली होता है वो अपनी सास को न देकर अपनी माँ को देना चाहते हैं, तो ऐसा करें कि नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले साल का कोई भी व्रत हो वो मायके से होता है, तो उस समय जब आप मायके में व्रत कर रहे हो या पूजा कर रहे हो तो उस समय अगर आप मायके में हो तो आप माँ को, अपनी माँ को सिंगार का थाली दे सकते हो, लेकिन अगर आप ससुराल में हो तो आप ससुराल में सासू माँ को सिंगार का थाली दो और उनका पाँव छुओ। तमाम बेटियों का प्रश्न है कि उनकी सास, मतलब उनके ससुर जी नहीं हैं तो सिंगार की सामग्री या रंगीन साड़ी ओड़ी अपने सास को नहीं दे सकती हैं, तो इस वजह से अपनी माँ को देना चाहती हैं। तो मैं बोले ठीक है, आप दे सकती हैं अपनी माँ को, लेकिन अगर घर में बड़ी जिठानी हैं, बड़ी ननद हैं, तो आप उनको भी दे सकती हैं इन चीज़ों को, यानी हमसे जो बड़ा है तो हमारा आदरणीय है, आप उनका पाँव छू के उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। और जो आपकी सासू माँ हैं, जैसे वो सिंगार की सामग्री यूज नहीं कर सकती, रंगीन गाढ़ी साड़ियाँ नहीं पहनती, तो उनके लिए भी एक थाली ज़रूर दें, उसमें उनके हिसाब की साड़ी रहे, साया ब्लाउज रहे, दक्षिणा रहे, फल और मिठाइयाँ रहे, ये सब चीज़ें तो आप अपनी सासू माँ को देकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। बाकी सिंगार की सामग्री अपने जेठानी, ननद को या अपनी माँ को भी भेज सकती हैं। तमाम बेटियों का यह प्रश्न है कि वो इस साल, मतलब पहले करवा चौथ का व्रत वो शुरू कर चुकी हैं, पर इस साल वो गर्भवती हैं और उनको काफ़ी कमजोरी लगता है, डॉक्टर उनको भूखा रहने से मना किया है, तो वो बोल रही हैं कि मैं क्या इस साल व्रत को छोड़ दूं? तो मैं उनसे बोली हूँ कि आप व्रत को न छोड़ें, आप भूखा न रहें, यानी कि दिन भर जो सर्गी खा के भूखा रहते हैं वैसा न करके आप ये भगवान से प्रार्थना करें, शिव और माँ पार्वती से, कि हम पूरे दिन का व्रत निराजली नहीं करके थोड़ा थोड़ा समय पर हम कुछ जूस, दूध, फल ले सकते हैं भगवान जी इस साल के लिए, अगले साल से हम विधि पूर्वक आपका व्रत करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो तो अगर आदमी का जान है तो जहान है, अगर आप सुरक्षित हो तभी व्रत, पूजा, उपवास, दान पुण्य सब है। अगर आप दूध, फल, जूस लेकर भी व्रत नहीं कर सकती तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप व्रत छोड़ दो, लेकिन भगवान के पास जाके समर्पण कर दो कि हम भगवान जी आपका व्रत इस साल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हमारे सुहाग के ऊपर कृपा बनाए रखें, और हम जिस कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं आप जानते हो, ऐसा प्रार्थना करें और आप अगले साल से व्रत कर सकती हैं। तमाम माताओं बहनों बेटियों का प्रश्न है कि कोई कोई ऐसे व्रत हैं जैसे तीजा है, हलषष्ठी है, करवा चौथ है, तमाम ऐसे व्रत हैं कि एक बार उनको छोड़ देने के बाद दोबारा नहीं रहा जाता। हाँ, ऐसा प्रावधान है, लेकिन मान लीजिए आदमी के किसी वजह से, किसी भी कारण से अगर संकट आया किसी साल और वो व्रत उसका छूट गया, यानी कोई आदमी मरणासन पर है इस वजह से उसका व्रत छूट गया, घर में कोई परेशानी है व्रत छूट गया, तो मैं श्रद्धा भक्ति के लिए मैं बोलूँगी कि आप दोबारा से व्रत पुनः शुरू कर सकते हैं, संकल्प लेकर कि हे देव हमारा व्रत इस कारण से छूट गया था, पर मैं ऐसा कुछ बहाना करके, ऐसा कुछ करके कि मैं व्रत छूट गया तो नहीं रहें, अगर आपके अंदर श्रद्धा भक्ति है, आप व्रत करना चाहते हो तो दोबारा से संकल्प लेकर आप व्रत कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक बार व्रत छूटने के बाद दोबारा आप व्रत नहीं कर सकते। तमाम बेटियां और बहनें प्रश्न करती हैं
कि हमारे मायके से, यानी जैसे मैं बोलती हूँ कि मायके से पहले साल सामान आता है, पहले साल जरूरी होता है, हर साल नहीं ला पाते, तो मायके से सभी सामान जो पूजा का होता है वो सभी मायके से आता है। तो तमाम बहनें बेटियां अपनी दुविधा हमको बताई हैं, उनके मायके से सामान नहीं आ सकता, कारण कुछ भी हो, वो लोग नहीं मानते या उनके यहाँ कोई नहीं आने वाला है या वो नहीं दे सकते, कुछ भी कारण है, तो बताए हैं कि हमारे मायके से कोई भी पूजा का सामान नहीं आएगा। तो ऐसे में हम क्या करें? तो मैं ऐसे में उनको बताऊंगी कि आप अपने पैसे से, पति के पैसे से, अपने ससुराल वालों के पैसे से पूजा की सभी सामग्री खरीद के आप व्रत पूर्ण कर सकते हो। जरूरी नहीं अगर किसी कारण बस मायके से नहीं आए तो आप व्रत ही न करें, व्रत ही न उठाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने से पूरी व्यवस्था करके व्रत कर सकती हैं। उसी प्रकार तमाम माताओं बहनों बेटियों का प्रश्न है कि वो तीन देवरानी जेठानी हैं या चार देवरानी जेठानी हैं, तो आप उनको बताएं, हमसे पूछी हैं कि आप बताएं कि जैसे सासू माँ को जो थाली दी जाती है, तो हम चार देवरानी जेठानी हैं, तो क्या सभी अलग अलग थाली दें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही थाली में कोई बहू साड़ी रख दे, तो कोई बहू चूड़ी रख दे, तो कोई बहू मिठाई रख दे, तो कोई बहू दक्षिणा रख दे? ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बोली, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग ऐसा तोड़ जोड़ क्यों कर रहे हो? साल भर का त्यौहार है, अगर आप अलग अलग ही दे दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? सभी जितनी बहुएं हैं अलग अलग देंगी तो सासू माँ को ज़्यादा अच्छा लगेगा। भले ही आप ये बता के दो कि हम लोग सभी इसमें मिक्स करके दिए हैं, तो एक थोड़ा बचकाना हो जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक साड़ी लगती है, साया ब्लाउज, थोड़ा दक्षिणा, कुछ मिठाई, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो अलग अलग करके एक में ही दोगे तो वही चीज़ थोड़ा और बढ़ा के अलग अलग थालियों में देके, तो उनको भी लगेगा हाँ हमारी चार बहुएँ हैं, हमारा उनको चार साड़ी मिला, चार डब्बा मिठाई मिला, या चार जगह 500-500 रुपये मिला, ये सोचेंगे, उनको अच्छा लगेगा और हृदय से आशीर्वाद भी देंगे, नहीं सोचेंगे हमारी बहुएँ काफ़ी कंजूस निकली, जुगाड़ करके एक एक करके दी हैं इसे। तो आप ऐसा ना करें, सभी चीज़ें अलग अलग करके अपने सासू माँ को दें, उनको प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद लें। तमाम माताओं बहनों बेटियों का प्रश्न है कि उनके पति उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में कुछ भी कमा के नहीं लाते हैं, जो भी कुछ कमाते हैं वो बाहर उड़ा देते हैं, और मैं कोई भी व्रत, करवा चौथ ही नहीं, कोई भी व्रत करती हूँ तो वो हमको दुखी करते हैं, हमको बोलते हैं कि हम ढोंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ माताओं बहनों बेटियों का हमसे कहना है, तो मैं हमको बहुत दुख लगा कि जो माँ अपने बेटे के लिए, बहन अपने भाई के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, या माँ अपने बेटे के लिए जो भी व्रत पूजा उपवास करती हैं, ये सब स्त्रियाँ ही करती हैं, कोई भी व्रत पूजा उपवास पुरुष नहीं करते अपनी बहन के लिए या अपनी माँ के लिए या अपनी पत्नी के लिए। ये पुरुष प्रधान समाज पहले से भी ऐसा था, आज ही ऐसे ही है। तो एक तो बहन बेटियाँ माताएँ पत्नियाँ अपने पुरुषों के लिए जो भी हैं वो करती हैं, उनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है, तो ये काफ़ी दुखद है। फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर आपके पति ही, जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी व्रत आप रहो तो अपने पति से अनुमति लेकर रहो, तो मैं तो बताती हूँ, मैं तो यही देखूँ कि 99% ऐसे पति हैं, उनसे पूछो कि हमको व्रत करना है तो मना कर देंगे कि नहीं मत करो, लेकिन फिर भी माताएँ बहनें बेटियाँ करती हैं सुरक्षा के लिए, और देव से, देवता से, धर्म से, सबसे वो बंधी रहती हैं, डरती रहती हैं कि इनको कुछ हो न जाए, करके व्रत करती हैं। तब सभी माताओं बहनों से मैं प्रार्थना करूंगी और विशेषकर उन पुरुषों से बोलूंगी कि आप अपने घर की स्त्रियों को दुख न दें, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, घर में दरिद्रता आती है। जो भी आप कमाते हैं पहले आप अपनी पत्नी के हाथ में रख दें, और अपने जो पत्नियाँ हैं, जो स्त्रियाँ हैं, स्त्री में कोई भी हो, माँ, बहन, बेटी, वो जितनी अच्छी तरह से घर को मैनेज करती हैं कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। आप कुछ थोड़ा बहुत बाहर खर्च करें लेकिन पत्नियों को जरूर दें, और पूजा पाठ करने से उनको मत मना करें, पूजा पाठ से घर का जो माहौल होता है सात्विक धार्मिक बना रहता है। और मैं उन माताओं बहनों से कहूंगी कि आप दुखी मत हों, ये समय हमेशा नहीं रहेगा, समय जरूर बदलेगा। तमाम हमारी बहनें बेटियाँ विदेश में रहती हैं, अलग अलग देशों में रहती हैं, तो वो हमसे प्रश्न करती हैं कि वो भारत में 3-4 साल या 5 साल के बाद ही आ पाती हैं, हर साल नहीं आती हैं, वो भी जब किसी का कोई विवाह पड़ा, कुछ विशेष पर्व पड़ता है तब वो भारत आती हैं, लेकिन
भारत में जो उनके घर से परिवार से जो व्रत पूजा अनुष्ठान होता है वो विदेश में भी करती हैं, और ये भी प्रश्न करती हैं कि तमाम चीज़ें उनको विदेश में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जैसे कि गाय हैं, तमाम ऐसे फूल हैं, तमाम ऐसे पत्र हैं, बरगद हैं, पीपल हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। तो वो बहन हमसे, बेटियाँ हमसे प्रश्न करी हैं कि जो करवा चौथ का वो व्रत विदेश में करती हैं तो वहाँ किसको दें, वहाँ किसको दे भी नहीं सकती, जो थाली का सामान होता है। तो बहन प्रश्न करी है कि मैं सब सामान को हर साल, यानी कि फल वगैरह मिठाई वगैरह तो नहीं रख सकती हैं, लेकिन जो साड़ी है और श्रृंगार का सामान और कुछ दक्षिणा करके अलग करके अपने बॉक्स में रख लेती हैं अपनी सासू माँ के नाम से। उनका ये श्रद्धा देख के हमको बहुत ही प्रसन्नता हुई कि ऐसी हमारी भारत की बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, माताएं हैं कि इतना ध्यान रखती हैं अपने कुल के परंपरा के, अपने धार्मिक अनुष्ठानों का। तो बेटी और बहन जो है हमसे प्रश्न करी हैं कि वो रखे रहती हैं और जब वो भारत आती हैं तो सभी 3-4 साल का चढ़ा हुआ सामान अपनी सासू माँ को देती हैं, पाँव छूती हैं और कुछ और उनके लिए गिफ्ट लाकर देती हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं। वो पूछी हैं क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो मैं बोली हूँ हाँ आप ऐसा कर सकती हैं। उसी प्रकार से तमाम हमारी जो बहनें हैं, बहुएँ, उनका यह प्रश्न है, मतलब ये हमसे बोली हैं कि जैसे हम अपने सासू माँ को थाली सजा के देते हैं तो अपने घर की परंपरा बताई हैं कि उनके यहाँ उनकी सासू माँ भी उनको गिफ्ट देती हैं, मतलब ये नियम है कि सासू माँ सरगी बना के देती हैं। तो उसी समय अपनी बहू को रंगीन लाल साड़ी है, चुनरी है, कुछ सोने चांदी का आभूषण है, बिछुआ है, श्रृंगार का सामान है, सासू माँ भी अपनी बहू को देती हैं। सब जगह है परंपरा नहीं है, तो मैं बोली ना यही परंपरा है, सब जगह यही परंपरा है, पर सासू माँ कभी कभी सरगी भी बना के नहीं देती हैं, बहू से नाराज़ हो जाती हैं। तमाम बहुएँ बोलती हैं कि मैं अपने से बना के खा लूँ क्या, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप खा सकते हो। और सासू माँ को इस नियम ही है कि बहू को भी मतलब आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ गिफ्ट देती हैं, चाहे वो सोने चांदी का कुछ छोटा बहुत आभूषण हो, श्रृंगार का सामान हो, या पहनने वाला जो कपड़ा होता है जो भी वो पहनती हैं उसको देती हैं। तो विधिवत मैं आपके प्रश्नों का उत्तर करवा चौथ के पर्व में दी हूँ जो आप हमसे प्रश्न करती हैं। और मैं सभी अपने माताओं को, बहनों को, बेटियों को करवा चौथ पर्व का ढेरों सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ। आप सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और सुहागन रहें और अपनी जो परंपरा है उसको निभाती रहें। इसी प्रकार के वीडियो हम आगे भी आपको देते रहेंगे और आगे हम आपको करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और कुछ विशेष जानकारियाँ और देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।